चिल्ला के अपना गला फाड़ रही हो तुम? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? इसने हमारी तिजोरी से चोरी की है और मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने कोई चोरी नहीं किया, आपकी तिजोरी खुली थी। अरे मैं क्या पागल दिखती हूँ जो मैं अपना घर और अपनी तिजोरी खुली छोड़ कर जाऊंगी? और मुझे साफ साफ बता, जेवर कहाँ है निकाल, मुझे मेरे गहने चाहिए ना? करना पुलिस को बुलाऊंगी। मेरी मम्मा को चोर मत कहो, मेरी मम्मा चुप नहीं है। चुप कर, तेरी अम्मी क्या है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। 5 साल पहले जब इस घर में रहने आई थी तभी मुझे फुफकड़ पड़ने लगी थी। हाँ, कि पेट में बच्चा है, पति का कुछ पता आता नहीं है। इसने और इसकी मासी ने मिलकर तुम सबकी हमदर्दी बटोर ली होगी, लेकिन आज आज इसकी हकीकत सबके सामने आ गई। मैंने इसे रंगे हाथों चोरी करते पकड़ लिया। मुझे पता मेरे गहने कहाँ हैं, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सुन मेरा काम करो। देख सकराइन, आज तक इस हमारे मोहल्ले में कभी पुलिस आई नहीं है और ना आवेगी। हम लोग एक दूसरे के भरोसे में जीते हैं और जीते रहेंगे, देख लेना। करते रहे हो तो करते रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे 80,000 के गहने चोरी हुए हैं, मुझे मेरे गहने कल तक मिल जाने चाहिए। देख बेटा, समझने की कोशिश कर, हमें यहाँ सबको तेरी सफाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें सबको तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा, हम हैं ना। और देख, इस मुसीबत का हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, फिक्र मत कर बेटा। जिज्ञासा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस घर के लोगों को साथ मेरठ लेकर चलूं या यहीं मरने के लिए छोड़कर जाऊं? इस घर के लोगों के लिए ना दिल लगाने की जरूरत है ना दिमाग, सिर्फ उंगलियां काफी है। इसलिए तो अब इस फैमिली में कोई ये नहीं कह पाएगा कि भगवान मालिक है, क्योंकि उनकी मालिक तो मैं। एनीवेज लिसन, मैं अपना काम निपटाकर सीधा मेरठ पहुंचूंगी। और हाँ, ध्यान रखना, मेरी बहू मीरा पर अपनी लगाम ढीली मत पड़ने देना। अब जाकर उसे कहो कि जय भैया को मेरठ आने के लिए कहे। ये तुम क्या कह रही हो जिज्ञासा? तुम जानती हो ना, अगर मीरा ने जैसे कुछ भी कहा तो वो कभी मानेगा नहीं। पता है, मगर उस मीरा को भी हमेशा पता रहना चाहिए कि उसकी इस घर में और जय भैया की जिंदगी में हैसियत क्या है। लेकिन अगर जय ने इनकार कर दिया तो मुझे पसंद नहीं आएगा। तुम जानती हो ना कि मैं चाहती हूँ जय शादी में आए, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। और मैं कर दूंगी। तुम उतना करो जितना मैंने कहा है। मीरा, मीरा, जाकर घर के सब लोगों से कहो कि सामान पैक कर ले, हम फौरन मेरठ के लिए रवाना हो गए। जी बच्चे। और हाँ सुनो,
जाकर जय से भी कहना कि वो भी साथ में चले, समझी तुम? जय से? लेकिन मैं... अरे क्यों नहीं कह सकती तुम? तुम्हारा पति है, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी उसे। और वैसे भी जिज्ञासा को ऑर्डर है, उसकी बात तो तुम कभी नहीं टाल सकती, है ना? मैं कोशिश करती हूँ। मेरे 80,000 के गहने चोरी हुए हैं, मुझे मेरे गहने कल तक मिल जाने चाहिए। गंगा पुत्र, गंगा बेटिया, तुम रो काहे रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? वो ठाकुर जी बहुत खराब है, मेरी मम्मा ने कुछ नहीं किया, फिर भी वो अभी पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही थी। अब कहां से लाएगी मेरी माँ 80,000 रुपए? तो फिक्र ना कर गंगा पुत्र, सारा मोहल्ला जानता है मैथिली दीदी ऐसा कभी ना कर सके, काड़ी जबान है उस ससुरी ठुकराएंगी। बेटा तू फिक्र ना कर, पीसों का बंदोबस्त हो जाएगा। वो कैसे? जेब में हमरी 2 रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे। नाचे है हम ताता थैया, हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। एक गली में बम बम भोले, दूजी गली में अल्लाह मिया, एक गली में गुंजे अजाने, दूजी गली में बंसी बजैया। ये लो ठकराएं तुम्हारे गहनों की कीमत। एक बात कहें ठकुराइन, तुम इंसान की कीमत चुकाती हो, चीजों को कीमती बनाती, और हम चीजों की कीमत चुकाते हैं और इंसान को कीमती बनाते हैं। लो 80,000 1 रुपया, 1 रुपया शगुन का, ताकि लक्ष्मी मैया तुम्हारे घर की तिजोरी से निकलकर किसी और गरीब के घर पे ना पहुंच जाए। ये क्या कर रही है? आप ये पैसे इन्हें नहीं देंगे। मैं आपको ये पैसे नहीं लेने दूंगी, आपको आपके पैसे कल तक मिल जाएंगे। मैं आप सबको आपके पैसे लौटा रही हूँ, हर वो दुआ अपने साथ रख रही हूँ जो आपने मुझे दी है। मिश्रा जी, ये आपके पैसे, ये वो पैसे नहीं है जो आपने अपनी दुकान से कमाए, बल्कि आपकी अच्छी सोच है जो आपने अपनी सारी उम्र कमाई। प्लीज अपने पैसे रख लीजिए। शायद ठकुराइन जी को सिर्फ इन नोटों का हरा रंग नजर आ रहा है, पर ये वो लाल रंग नहीं देख सकती जो तब नजर आता है जब एक दुल्हन सजती है। आपकी साड़ियों और चूड़ियों में, हर दुल्हन में ये रंग नजर आता है। आप अपने पैसे रख लीजिए प्लीज। आप सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आपकी मेहनत की कमाई इन्हें नहीं दे सकती, क्योंकि अगर आपकी मेहनत की कमाई मैंने इनको दी तो मुझे चोरी से ज्यादा शर्मिंदगी होगी। अगर आप सबने इतनी मदद की है तो शायद वो भी मेरी सुन लेंगे। चलो गंगा। आप हमेशा इस शर्ट पे यही टाई पहनते हैं ना?
खराब हो गया। कितनी बार समझाया कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। बात समझ में नहीं आती तुम्हें? तुम मिसेस जय वालिया जरूर हो लेकिन मेरी पत्नी नहीं हो तुम, सिर्फ मेरा नाम मिला है। So stop trying to get close to me. Now what do you want? तो करुणा आंटी की बेटी की शादी है मेरे घर। आपकी भांजी? कोई भांजी नहीं है मेरी। पति पत्नी का रिश्ता नहीं मानता, भांजी का रिश्ता मानूंगा मैं? ये तो करना से कहने नहीं। लेकिन जिज्ञासा, जिज्ञासा से मैं बात कर लूंगा ना, गिरा कर देती हूँ। इस टाई को फेंक दो, कभी जिंदगी में नहीं पहनूंगा मैं। मेरा स्कार्फ नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है? यहीं कहीं होगा। अरे नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ के दे दो। यहीं कहीं होगा, और कहाँ जाएगा? अरे बानी तुम्हें क्या हो गया है, ढूंढ के क्यों नहीं दे देते? आप अपनी चीजें खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते? ये क्या है? आपका स्कार्फ कबर्ड में सामने ही रखा हुआ था, लेकिन आपको तो नजर नहीं आएगा, आपका ध्यान तो कहीं और ही लगा रहता है। जय, क्या हुआ, कुछ परेशान नजर आ रहे? नहीं कुछ, मैं ये सोच रहा था आदित्य कि इस टाई की तरह कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ सजावट के लिए, और अगर वो सिर्फ सजावट के लिए ही रहे तो, लेकिन अगर वो ज्यादा करीब आते हैं तो उनसे दम घुटते हैं। मैडम, वालिया साहब का सामान? नहीं चाचा, आप बस मेरा ही सामान रख दीजिए। जी जय, नहीं आ रहे जी। आ रहा हूँ, मेरा भी सामान रख। जी सर। थैंक यू सो मच। जी सर, मेरठ में एक प्रॉपर्टी है जो शायद मैं खरीद सकता हूँ। इट्स जस्ट बिजनेस, लॉन्ग टर्म सर। लो भैया, जल्दी करो जल्दी। हे गैया भैया, आज ज्यादा दूध देना, का है ना कि शादी वाले घर का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ऐसा मौका हर रोज नहीं आता। हाँ भैया। शंभू काका, आज इतना सारा दूध? अरे गंगा बिटिया, वो का है ना, वो जो दुबे जी है ना, जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, वो लड़की के घर वाले और उनके रिश्तेदार आज मेरठ में रहने आ गए है, तो उनके लिए ही दूध का इंतजाम हो रहा है। वो आ गए हैं क्या? हाँ, अब तुम पूछा पूछी करके हमारा वक्त खराब मत करो। तुम
काम करो, अपना हमको काम करने दो। जाओ भैया जाओ जाओ। अंकल मुझे अंदर जाना है। क्यों, काम क्या है? वो हवेली के मालिक से मिलना है। तुम इन लोगों को जानती हो? नहीं, पर मिलना है, जरूरी काम है। अरे हटो हटो, ए किसी को अंदर नहीं जाने देना, हटो। अंकल प्लीज मुझे अंदर जाने दो। साहब की गाड़ी आ रही है। मेरी बेटी की शादी है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू गो रॉन्ग। देखो तो कौन है, हटिए मेरे रास्ते से, बीच में आके बैठ गए। जय, आई एम सो हैप्पी तुम आ गए। तुम्हारी भांजी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अब चलो आओ उससे मिलने। शादी में बड़े होने के लिए नहीं, प्रॉपर्टी खरीदने। तुम्हारे सन भी मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में बताने, तुम्हारी बेटी से पहले मुझे उनसे मिलने। वजह जो भी हो, एटलीस्ट तुम आए तो जय। किसकी नकल कर रही थी आप? कौन किसकी नकल कर रहा था? आप। मैं किसी की नकल नहीं कर रही थी। क्या पता वो मेरी नकल कर रहे हो। आपके यहाँ शादी है ना? मेरी ननन जी है ना, उनकी बेटी की शादी। मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं, इस खाने की खुशबू ही बता रही कि खाना कितना टेस्टी बनाया आपकी माँ ने। आपको बताती हूँ, जब भी खाना बचता है ना, तो रात को कल्पेश और नीतू के बीच में बांट देते हैं। कल्पेश और नीतू? वो हमारे शंभू काका की गाय। और रोज सुबह फ्रेश खाना फ्रेश लोगों के लिए सब पका लेती है मेरी माँ। अच्छा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट आप मेरी मम्मा को दे दो ना। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, वो दुबे जी ने हमें इस शादी में खाने बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था।
लेकिन वापस ले लिया। हमें पैसों की बहुत जरूरत है, आप प्लीज मेरी मम्मी को ये खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो ना। डोंट वरी बेटा। अच्छा आपका नाम क्या है? गंगा। बड़ा प्यारा नाम है गंगा। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी बात करके आई हूं। आइंदा किसी की नकल मत करना। दोपहर तक का वक्त दे दीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगी। Shut up.